सो हेलो भाई, वेलकम बैक टू अनदर डे, अनदर ब्लॉग एंड अनदर कार। हम देख रहे हैं टोयोटा वेलफायर, ये 96,55,000 एक्स शोरूम प्राइस है हरियाणा फरीदाबाद के अंदर। बाकी स्टेट वाइज प्राइस वेरी करते हैं कि आप कौन सी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। व्हाइट कलर में आप देख रहे हैं, टॉप ऑफ द लाइन है। अब जल्दी ही इसका फेसलिफ्ट वेरियंट आने वाला है, अपडेशन आने वाली है, जो इसका लेटेस्ट वेरियंट है वो मार्केट में आने वाला है बहुत जल्दी। आप गाड़ी पे नंबर भी देख रहे HR51CA00-36-36, क्योंकि मैं आया हूँ फरीदाबाद 36 टोयोटा पे, टोयोटा 36, तो यहाँ पे नंबर भी 36 है। शोरूम की गाड़ी है ये, तो इस वजह से इस पे नंबर भी 36 लिया हुआ है। बट गाड़ी लग देखो कितनी यूज गाड़ी है, कितनी बड़ी लग रही है यार देखने में। हाइब्रिड है ये, फीचर्स काफी अच्छे मिल जाते हैं। अब आप लगा लो यार 96,55,000 एक शोरूम प्राइस है इस गाड़ी के, तो फीचर कैसे कैसे होंगे उसके बाद बात कर लेते हैं हम। टोयोटा क्या क्या ऑफर कर देती है हमें इस कीमत के अंदर, शायद वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट मजेदार होगी, देखना वीडियो। यहाँ पे आपको दो वाइपर मिलेंगे, रेन सेंसिंग वाइपर है, टू वाइपर विद वॉशर। यहाँ पे कुछ इस तरह से ग्रिल मिलेगी, बीच में टोयोटा का लोगो। हाइब्रिड है तो यहाँ आपको ब्लूइश कुछ ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलेगा। फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, लोअर ग्रिल मैट ब्लैक में मिलेगी। बाकी जो अपर ग्रिल है गार्निश, वो रेडिट ग्रिल, वो आपको गार्निश ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। एलईडी बेसिस में फॉग लैंप्स मिल जाएंगे नीचे। यहाँ पे DRLs हैं, देख रहे होंगे आपको ब्लिंक हो रहे हैं इस जगह पे। इसमें हमें LED बेस, चार चार प्रोजेक्टर मिल जाते हैं एक साइड पे हेडलैम्प में। ऑटो हेडलैम्प का फीचर मिल जाता है, LED बेस प्रोजेक्टर मिल जाते हैं, चार इस साइड चार इस साइड। अब आप लगा लो कितनी ज़्यादा रोशनी ये देते होंगे। और नीचे भी लैंप्स इसमें दिए हुए हैं जहाँ पे DRLs आपको ब्लिंक होते हुए दिख रहे होंगे। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स दिए हुए हैं, बाकी लोअर पार्ट पूरा जो बम्पर का है वो वाइट ही देखने के लिए मिलेगा। गार्निश काफ़ी दिया हुआ है गाड़ी में, जो कि गाड़ी के लुक को और इनहेंस कर रहा है। अरे यार ये गाड़ी ना काफ़ी ऐसे लगती है जैसे बस पूछो मत, एक अलग सी फीलिंग आती है इस गाड़ी को देखने के बाद। अब आ जाते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे, तो यहाँ कुछ इस तरह के अलॉयज मिल जाते हैं आपको, और मल्टी स्पोक अलॉयज हैं, और ये आपको गार्निश में ही मिलेंगे, मतलब क्रोम के अंदर ही देखने के लिए मिलेंगे। 225/60/17 का टायर साइज है। फ्रंट और रियर दोनों डिस्क ब्रेक्स हैं। यहाँ पे हाइब्रिड की बैजिंग, एक गिलास यहाँ मिल जाएगा। ऑटो एडजस्टेबल रिएक्टेबल ORBMs हैं विद 360 डिग्री व्यू कैमरा। इस जगह पे गार्निश मिल जाएगी, डोर हैंडल्स पे भी गार्निश मिलेगी, रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा, ड्राइवर को ड्राइवर साइड भी। इसमें डबल हमें सनरूफ मिल जाता है, एक यहाँ पे सनरूफ मिलेगा इस जगह पे, और एक पीछे पैसेंजर सीट पे काफी बड़ा ह्यूज ग्लास मिल जाता है। ये देख रहे हो आप, पूरा गार्निश बीडिंग गई हुई है, जो डोर वाइजर्स लगे हुए हैं इसमें। यहाँ पे आपका फ्यूल टैंक दिया हुआ, कुछ इस तरह से गाड़ी का साइड प्रोफाइल आता है। अब आ जाते हैं गाड़ी के रियर व्यू पे, तो यहाँ देख लो वेलफायर एग्जीक्यूटिव लॉज की बैजिंग की हुई है इन्होंने। यहाँ पे चार पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए हुए हैं, कितनी प्यारी टेल लैंप्स मिल जाते हैं इसमें LED बेस। ये इंडिकेटर है जो कि आपका सीक्वेंस में वर्क करते हैं। यहाँ पे रिवर्स कैमरा, यहाँ पे आपका हाइब्रिड एनर्जी ड्राइव लिखा हुआ है, ई फाउट लिखा हुआ है कुछ करके, रियर डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, स्पॉइलर मिल जाता है। नीचे इसका जो बूट गेट है इस पे भी गार्निश बीडिंग दी हुई है। अब आ जाते हैं गाड़ी के, जैसे टोयोटा का हाइब्रिड है तो यहाँ भी इन्होंने ब्लूइश ट्रीटमेंट दिया हुआ है। यहाँ से आप ड्राइवर प्रोफाइल देख सकते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, की दिखा दूँ कुछ इस तरह की मिल जाती है हमें, लॉक अनलॉक, ये दरवाजे खोलने के लिए, ये बूट गेट खोलने के लिए दिखाऊंगा खोल के। इसे हम प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ हमारे गेट ओपन हो जाएंगे। जैसे देखो आप, उस साइड वाला गेट ओपन हो गया, ये कर लेता हूँ मैं, इस साइड हम इसे प्रेस करके रखेंगे तो की से आपका गेट ओपन हो जाएगा। पहले वो वाला गेट ओपन हो गया था, अब उसे मैं बंद कर देता हूँ यहीं से प्रेस करके इसे, देखो बंद हो गया। और अब इसे कर देते हैं हम बंद, ठीक है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो ड्राइवर डोर ओपन कर लेते हैं हम यहाँ से, और कुछ इस तरह का डुअल टोन में से इंटीरियर मिलेगा। यहाँ पे कुछ कुछ बैच कलर में सॉफ्ट टच दिया हुआ पूरा, ये वुडन ट्रीटमेंट दिया हुआ है, जगह पे गार्निश भी है। मेमोरेबल सीट सेटिंग्स मिल जाएंगी तीन लोगों के लिए, डोर ओपनर, लॉक अनलॉक का बटन, यहाँ पे ORBM कंट्रोल यूनिट चाइल्ड लॉक के लिए, चारों विंडो वन टच अप वन टच डाउन मिलेंगे, एक सिंगल टच पे डाउन होगी और एक सिंगल टच पे खुलेगी चारों विंडोज। ड्राइवर ट्री में हमारा सॉफ्ट टच है, नीचे JBL का स्पीकर मिल जाते हैं, यहाँ पे हर जगह JBL की बैजिंग मिलेगी आपको।
ये आपका वाटर बॉटल स्पेस। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट मिलेंगी यहाँ पे आपको, और यहाँ से आप इन्हें इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। ये वेंटिलेटेड सीट्स हैं, फ्रंट की और रियर की भी वेंटिलेटेड मिलेंगी जो आपका पैसेंजर सीट्स हैं। यहाँ पे ब्रेक एक्सीलेटर, ये थोड़ा स्पेस मिल जाएगा जैसे टोयोटा गाड़ियों में मिलता है। यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप का बटन, ये पावर डोर ऑन ऑफ का ऑप्शन है। यहाँ पे वेंटिलेटेड स्टेयरिंग भी है भाई, ये देखो वेंटिलेटेड स्टेयरिंग का ऑप्शन भी है, यहाँ बटन दिया हुआ है। यहाँ एक कप होल्डर्स मिल जाता है, गिलास वगैरह आप रख सकते हैं यहाँ पे, और ये दिया हुआ, इसे आप बंद भी कर सकते हो, यहाँ पे खोल भी सकते हो और बंद भी कर सकते हो एसी वेंट। अब चलते हैं हम गाड़ी के अंदर। पहले तो भाई गाड़ी का इंटीरियर देख लो, कितना लग्जरी इंटीरियर, और भाई 1 करोड़ से ऊपर पड़ती है गाड़ी, लग्जरी इसका नहीं होगा तो और किसका होगा इंटीरियर, ये भी तो बात है ना। बाकी कुछ इस तरह का स्टेयरिंग मिल जाता हमें, जहाँ पे आपका ये मुझे थोड़ा सही नहीं लगा, जो इसकी एडजस्टमेंट है वो आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक मिल जाएगी, बट यहाँ आपको मैनुअल मिलेगी इस तरीके से, जैसा मैंने कैमरी में दिखाया था उसमें इलेक्ट्रिकली थी, इसमें आपको मैनुअल एडजस्टेबल एडजस्टिंग। वही बात करें स्टेयरिंग की, तो लादा लेदर रैप है, ऊपर कुछ अलग से ट्रीटमेंट दिया हुआ है, वेंटिलेटेड स्टेयरिंग मिल जाता है इसमें, जैसा मैंने आपको दिखाया था, यहाँ बटन दिया हुआ स्टेयरिंग वेंटिलेशन का इस जगह पे यहाँ पे, और ये आपका टोयोटा का लोगो। इसमें हमें नी एयर बैग भी मिल जाता है इस जगह पे, आप देख रहे हो यहाँ पे ये नी एयर बैग दिया हुआ है इन्होंने टोयोटा में, वेलफेयर में। यहाँ पे हमें नी एयर बैग भी मिल जाता है ड्राइवर साइड। यहाँ पे सीट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं कप स्पोर्ट्स के लिए, जो ये वाला पार्ट है इसको ऊपर नीचे करने के लिए इस जगह पे, ये 360 डिग्री व्यू के लिए क्या बटन दिया हुआ है यहाँ पे। बात करें स्टेयरिंग की, तो यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, यहाँ आपका इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के, यहाँ क्रूज कंट्रोल के लीवर जैसे टोयोटा गाड़ी में मिलता है वो यहीं पे, बीच में टोयोटा का लोगो। ड्राइवर को ड्राइवर एयरबैग है यहाँ पे, दोनों ए पिलर्स में आपको एयरबैग मिल जाएगा, कुछ इस तरह का मीटर मिल जाता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ऑन कर लेता हूँ मैं इसे एक बार, तो यहाँ हम जैसे ही इसे प्रेस करेंगे तो ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन हो चुका है। स्पीड मीटर आपको एनालॉग मिलेगा, उसमें नीचे फ्यूल गेज है, आरपीएम एनालॉग मिलेंगे, यहाँ पे आपका पावर वगैरह जैसे हाइब्रिड वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको वो चीज़ें दी हुई हैं, जैसे आपका चार्जिंग टाइम, इको पावर वगैरह यहाँ से आपको दिखता रहेगा। और बीच में एक MID मिल जाती है जिसमें आपका TMPS वगैरह के सारे नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे ये रीसेट का आ गया। वहीं बात करें आगे, तो यहाँ आपका टायर डायरेक्शन बताने के लिए, ये म्यूजिक सिस्टम के लिए, यहाँ पे आप लाइट वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं अपनी हेड लैम्प वगैरह, ये आपका गेट वगैरह के लिए। तो कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, बीच में MID मिल जाती है, रेडी फॉर ड्राइव इस पे लिखा गया इस जगह पे, ऊपर पार्किंग ब्रेक्स वगैरह, और यहाँ आपका उसके लिए जो डोर्स खुले हुए हैं। ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं दोनों तरफ, काफी बड़ा काफी ह्यूज डैशबोर्ड मिल जाता है, आगे स्पीकर भी दिया हुआ है शायद इस जगह पे, सब बूफर वगैरह जो दिया होगा, और ये पूरा ये जो ट्रीटमेंट दिया हुआ है ये पूरा सॉफ्ट टच में दिया हुआ है, जो काफी अच्छा लग रहा है। एक काफी बड़ी स्क्रीन मिल जाती है म्यूजिक सिस्टम की हमें, जो इसका इंफोटेन सिस्टम है काफी बड़ा मिल जाता है देखने के लिए, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ऑब्वियसली वायरलेस मिल जाता है देखने के लिए, वायरलेस आप इसे यूज कर सकते हैं, काफी बड़ी स्क्रीन है। यहाँ दो AC वेंट्स हैं आपके, ये आपके टच बटन्स हो गए, बीच में 1000 लाइट का बटन, JBL यहाँ भी मेंशन किया हुआ, हर स्पीकर के ऊपर JBL लिखा हुआ, यहाँ से आप अपना ऐप वगैरह खोल सकते हैं, जो टोयोटा की ऐप वगैरह वो खोल के देख सकते हैं, यहाँ अपना वॉल्यूम वगैरह के फिजिकल बटन्स इन्होंने दिए हुए हैं इस जगह पे। नीचे आपको ऑटो AC मिल जाएगा, AC के कंट्रोल्स दिए हुए हैं नीचे, दोनों साइड का आप अपने अकॉर्डिंग टेम्परेचर रख सकते हैं, ड्राइवर को ड्राइवर साइड का लो हाई अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। यहाँ ऑटो का आपको फीचर मिल जाएगा, ऑटो AC रखना है या मैनुअल आप इसे यूज करना चाहते हैं, थोड़ा स्पेस यहाँ मिल जाएगा, इसे भी आप कवर कर सकते हैं इस तरीके से। वुडन ट्रीटमेंट है काफी अच्छा, गियर लीवर पे भी वुडन ट्रीटमेंट दिया हुआ है। ये आपका फ्रंट रियर डिफॉगर के बटन्स हैं यहाँ पे, ये वॉच दी हुई है, वॉच के कंट्रोल्स दिए हुए हैं इस जगह पे मिनट वगैरह सेट करने के लिए। ये आपका फ्रंट डुअल AC है, उसके लिए बताया हुआ है इन्होंने, स्लो वगैरह आप जिस हिसाब से भी एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। कुछ इस तरह का गियर लीवर है, या इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक्स है, ये ऑटो होल्ड का फीचर, ये EV मोड पर अगर आप इसे कर देते हैं तो ये प्योर EV मोड पर चलाने के लिए, ये ट्रैक्शन मोड ऑन ऑफ करने के लिए, यह आपका
इको मोड के लिए, अगर आप इसे इको मोड पर ड्राइव करना चाहते हैं तो। यहाँ आपका जो सीट वेंटिलेशन है वो यहाँ मिलेगी, इस जगह पे दी हुई है सीट वेंटिलेशन दोनों फ्रंट सीट्स के लिए, यहाँ पे बटन्स दिए हुए हैं। यहाँ कप होल्डर्स मिल जाते हैं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, इस तरह का काफी बड़ा काफी ह्यूज कूल्ड ग्लोब बॉक्स मिल जाता है हमें इसमें, जिसमें 12 वोल्ट का सॉकेट है, यूएसबी मिल जाएगा आपको, और ये कूल्ड है इसी वजह से इसमें पानी की बोटल्स भाई रखी हुई है ओनर साहब ने जिनकी भी ये गाड़ी है। यहाँ पे आपका ग्लोब बॉक्स मिल जाता है, ग्लोब बॉक्स में यहाँ पे कुछ इन्होंने दिया हुआ है, कोई फीचर है इसके बारे में मेरे को नहीं पता, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट में बता सकते हो किस लिए दिया जाता है। ऊपर वुडन ट्रीटमेंट दिया हुआ है, जो चीज पता है वो ही बताऊंगा, जो चीज नहीं पता उसे छोड़ देंगे। इस साइड कप होल्डर है या मैं डिस्प्ले में डाल दूंगा जो भी वो था। ये वुडन ट्रीटमेंट काफी अच्छा लग रहा है इस जगह पे। बाकी ऊपर आएंगे यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग IRVM है, यहाँ सनग्लास होल्डर रीडिंग लाइट्स मिल जाती हैं वाइट, ये आपका सनरूफ मिल गया, अभी पीछे का खुला है, पीछे का बंद कर देते हैं हम भाई, जब पीछे चलेंगे जब उसे देखेंगे चल के। और अच्छा ये गेट के लिए है, जो इस साइड वाला गेट है ये गेट खुल गया इस बटन से, और ये दिया हुआ मैंने देखा नहीं था, इसे आप यहाँ से बंद कर सकते हैं, उस साइड का गेट इस बटन से खुल जाएगा, ये वाला गेट है जो पीछे वाला। यहाँ पे आपका डोर्स की लाइट्स वगैरह के लिए दिया हुआ है, यहाँ माइक दिए हुए हैं, इस साइड वेंटी मिरर है विद लाइट, इस साइड भी वेंटी मिरर है विद लाइट, ठीक है। एक सनरूफ आपको यहाँ मिल जाता है ड्राइवर साइड पे, और बूट गेट के लिए भी यहाँ बटन दिया हुआ है, इससे बूट गेट ओपन हो जाएगा, यहाँ रीडिंग लाइट्स हो गई आपकी दोनों, ठीक है, ये बूट गेट आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। एक सनरूफ आपको यहाँ मिल जाता है इस जगह पे, बट ये शायद मैनुअली खुलेगा, इसकी कोई इलेक्ट्रिकली सेटिंग नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसके बटन्स नहीं दिए हुए, यहाँ पे कुछ दिया हुआ खोलने के लिए इस तरीके से, तो शायद ये यहीं से ओपन होगा। अब चलते हैं पैसेंजर सीट पर, फ्रंट ही काफी बड़ा होगा, काफी बड़ी वीडियो होगी शायद ये। अब चलते हैं एक बार पैसेंजर सीट्स पे, गाड़ी कर लेता हूँ मैं ओपन और यहाँ से करके बंद, चाबी अपने हाथ में ले लेते हैं और चाबी से ही इसे हम ओपन करेंगे इस तरीके से। यहाँ से मैं प्रेस करूँगा, ये बटन भी खोल देगा और इस तरीके से भी ये फिर आपका ओपन हो जाएगी। यहाँ ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं एंट्री लेने के लिए, वेलफेयर की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ से आप इजीली एंटर हो सकते हैं गाड़ी के लिए अंदर के लिए। थर्ड रो के लिए स्लाइड मिल जाती है, इसे आप आगे करोगे सीट आपकी स्लाइड होकर आगे आ जाएगी। ये रिक्लाइन के लिए ऑप्शन यहाँ मिलेगा आपको, यहाँ से आप इसे इलेक्ट्रिकली रिक्लाइन का ऑप्शन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट है, रिक्लाइन करना जितना भी आप रखना चाहते हैं यहाँ से इसे कर सकते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो मैं आ चुका हूँ भाई गाड़ी के अंदर, और भाई सीट क्या सोफे हैं ये, तो पहले आप यहाँ से फ्रंट देख लो गाड़ी का, मजा आ रहा, मतलब ये लग ही नहीं रहा कि गाड़ी में बैठे हुए किसी में। यहाँ आपको रिमोट्स मिल जाए, रिमोट दिया हुआ एक स्क्रीन के लिए, क्योंकि एक स्क्रीन हमें इसकी, अभी दिखाता हूँ आपको इस रिमोट का यूज़ क्या है, एक स्क्रीन हमें इसकी यहाँ मिल जाएगी इस जगह पे, ये दी हुई है, अब इसे देखेंगे कहाँ से खुलेगी। अगर आप कोई मूवी वगैरह देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। यहाँ स्पीकर्स दिए हुए हैं, ये स्पीकर वो स्पीकर, यहाँ एसी के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, ऑटो एसी का ऑप्शन दिया हुआ है पीछे भी पैसेंजर सीट पे भी, यहाँ आपका एम्बियंट लाइटिंग जो दी हुई है उसके कंट्रोल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, अपने अकॉर्डिंग आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एसी वेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ रीडिंग लाइट मिल जाएगी आपको एक वाइट, ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, रीडिंग लाइट ऑन हो गई दोनों तरफ की, पीछे भी रीडिंग लाइट है, और ये एम्बियंट लाइटिंग चलो थर्ड रो की बाद में दिखाऊंगा। यहाँ थोड़ा स्पेस मिल जाएगा आपको, और सीट काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे नीचे कप स्पोर्ट्स के लिए, ये भी आपका ऊपर हो जाएगा ये वाला पोर्शन भी सीट का। उसके कंट्रोल्स कहाँ पे है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आप इसे ओपन करेंगे इस तरह से, यहाँ स्टीयरिंग के जो आपका आर्म रेस्ट है उसके अंदर आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे, जैसे यहाँ वेंटिलेटेड सीट है तो वेंटिलेटेड सीट के लिए यहाँ पे कंट्रोल दिए हुए हैं, इसे आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। और रिक्लाइन के लिए यहाँ नीचे हाथ डालने जरूरत नहीं है, इसी जगह से आपका रिक्लाइन हो जाएगा। और जो मैं बोल रहा था कप स्पोर्ट के लिए, इसे भी एक बार
ऑन करना पड़ेगा शायद, पहले मैं देख लेता हूँ एक बार ऑन करके। तो जो मैं बता रहा था ना, मैं एक बार बाहर आ गया हूँ, मैं जो काप स्पोर्ट मिल जाती है हमें नीचे पैर के लिए, देखो यहाँ आपको बटन मिल जाएगा, ये आप अपने अकॉर्डिंग पूरा रिलैक्स होके बैठ सकते हो इस तरीके से। यहाँ आपका ये पूरा ऊपर आ जाएगा, सीट रिक्लाइन आपकी यहाँ से हो जाएगी। और एक बार बैठ ही जाता हूँ भाई मैं भी इसमें, पहले डोर कर देते हैं बंद और अंदर आ जाते हैं गाड़ी के। अब देखो यहाँ इस तरीके से पूरा रिलैक्स होके बैठ सकते हो, जितना चाहूँ उतना मैं ये उठा सकता हूँ। अंडर थाई थाई स्पोर्ट सारा कवर हो जाएगा इसके अंदर, ये बेनिफिट है, ये आपका रिक्लाइन के लिए होगा। यहाँ भी मेमोरी मिल जाती है, मेमोरेबल सीट मिलती है सेकंड रो में भी, आपको दो लोगों के हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। और अगर सीट को आप दोनों चीज़ें एक साथ एडजस्ट करना चाहते हो, काप स्पोर्ट और रिक्लाइन, तो यहाँ से आपका वापस सेट हो जाएगा। ये वन पे टू पे आप अपने अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकते हो दो मेंबरों के हिसाब से, ठीक है। ये रिक्लाइन के लिए होगा, ये काप स्पोर्ट के लिए होगा। ये आपकी जो लाइट्स हैं, लाइट्स की सेटिंग करने के लिए हैं, एम्बियंट लाइटिंग, अगर आपको ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी है तो यहाँ से एम्बियंट लाइट की आप कम सेटिंग, मतलब ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो। ये आपका वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन, और इसे आप यहाँ से कवर कर सकते हो जब यूज़ नहीं करना, और यूज़ करना तो यहाँ से इस तरह से खोल के इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दोनों सीट पे सेम ऑप्शन मिल जाएंगे। और जो इस साइड वाला आर्मरेस्ट है इसका भी आपको यूज दिखा, जो लेफ्ट साइड वाला आर्मरेस्ट है ये भी यहाँ से खुल जाएगा इस तरीके से। और इसमें दिखाऊं आपको क्या मिलता है, ये देखो, ये मैंने प्रेस करा इस तरह से, ये हमें एक टेबल बन गई यहाँ पे हमारी, यहाँ हमें कुछ खाना पीना है या लैपटॉप वगैरह यूज करना कर ले, और यहाँ पे आपका एक कप होल्डर बन गया इसको बटन को प्रेस करने के बाद, ठीक है। ये पूरा लग्जरी फील है भाई इसका, और यहीं बटन से प्रेस करके इसे आप बंद कर सकते हो, यहाँ से इस तरह से अंदर चला जाएगा। सेम चीज़ दूसरी सीट में भी है, यहाँ भी आपका इसी तरीके से बाहर आ जाएगा निकल के ये, ठीक है, और ये आपका अंदर हो जाएगा, और यहाँ आपका कप होल्डर। और यहाँ से आप अपना सीट आगे पीछे भी कर सकते हो, रिक्लाइन भी कर सकते हो, अगर आपको को ड्राइवर वाली सीट आगे पीछे करनी तो यहाँ से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। ये हैंडल्स मिल जाते हैं, यहाँ आपका एसी वेंट्स हो गए, ये मैं आपको दिखा चुका, ये सनरूफ के यहाँ से कंट्रोल दिया हुआ है इस जगह से, ये पूरा जो पैसेंजर सीट पर सनरूफ है वो आपका इस तरीके से ओपन हो जाएगा। बट धूप बहुत है, इसकी ज़रूरत है नहीं भाई, इसे बंद कर देता हूँ। पीछे आपको टाइम वगैरह सब कुछ दिख रहा होगा, वेदर वगैरह सब कुछ आ रहा है, यहाँ पे ये बंद कर दिया हमने। यहाँ अपने रूम के अकॉर्डिंग आप जो कैबिन है लाइट वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पूरा प्रो स्पोर्ट मिल जाता है। अब लास्ट में रही बात है इस रिमोट की, जो यहाँ पे रखा हुआ था, जो दिखाया था, अब इस रिमोट का यूज दिखा दूँ। जैसे इसमें पावर का बटन मिल जाता है, मैं इसे प्रेस करूँगा यहाँ पे, और ये डिस्प्ले आ गई भाई इंटरटेनमेंट के लिए। पहले वॉल्यूम कम जा कर देता हूँ इसकी। यहाँ पे आप अपना मूवी वगैरह भी चला सकते हो, अगर चलाना चाहो तो कुछ मूवी वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाएगा, और वीडियो वगैरह भी आप इस पर प्ले कर सकते हो। और नहीं देखना तो यहाँ ओपन क्लोज का इसमें बटन दिया हुआ है, ये मैंने क्लोज का कर दिया, तो इसी बटन से ये बंद हो जाएगा, इस वजह से ये रिमोट दिया हुआ, और ये रिमोट आपका यहाँ पे रखा रहेगा, ठीक है भाई। ये हैं गाड़ी के मजे, मेरा तो गाड़ी से उतरने का मन नहीं कर रहा, अब एक बार थर्ड रो में और चलते हैं क्या मिल जाता है थर्ड। तो यहाँ थर्ड रो के लिए मैंने सीट आगे कर दी, और यहाँ से मैं एंटर हो जाता हूँ, काफी बड़ी जगह मिल जाती है। अब मैं थर्ड रो में एंटर हो चुका हूँ इस जगह पे, और यहाँ से इस तरह से इसे करके सीट पीछे कर लूंगा मैं, ठीक है। और यहाँ भी ना मैं स्पेस बहुत प्यारा है यार इसमें, यहाँ ना मैं इसका रिक्लाइन का ऑप्शन, सेकंड रो का सीट रिक्लाइन का ऑप्शन हमें थर्ड रो में भी मिलेगा, यहाँ से मैं इसे अपने अकॉर्डिंग रिक्लाइन कर सकता हूँ। और भाई ये है थर्ड रो, इसे बोलते हैं थर्ड रो, यहाँ से आप स्लाइड करके अगर स्पेस चाहिए थोड़ा और, तो सीट भी आगे कर सकते हो, और ये रिक्लाइन भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे कर्टेन मिल जाते हैं थर्ड रो में भी आपको दोनों ग्लासेस पे देखने के लिए। ऊपर एसी वेंट्स मिल जाते हैं इस जगह पे, लाइट मिल जाती है, ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं आपको, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, कुशन वगैरह काफी अच्छी है, और हेडरूम भी दिखा दूं मैं आपको भाई, हेडरूम भी देख लो, बड़ा आराम से लेटा हुआ हूं मैं तो, और लेग रूम वगैरह भी यहाँ से आप मेरा देख सकते हो, कैसा लेग रूम वगैरह मुझे मिल रहा है, और बड़े रेस्ट कर रहा हूँ, मुझे बड़ा मजा आ रहा है बैठ के। चलो अब चलते हैं एक बार बाहर निकल के इसका बूट स्पेस और चेक कर ले। बस पीछे ही वेंटिलेटेड सीट नहीं है थर्ड रो में, सेकंड और फर्स्ट रो में तो वेंटिलेटेड सीट्स हैं। अब आ जाते हैं एक बार इसके बूट स्पेस पे। भाई बूट इसका खुल नहीं पाएगा जहाँ तक मुझे डाउट लग रहा, क्योंकि आगे पीछे गाड़ी खड़ी हुई है, बाकी थर्ड रो में
तो मैंने स्पेस दिखाई दिया आपको, बूट स्पेस कितना मिल जाता है कितना नहीं मिलता। एक बार ओपन कर लेता हूँ, खुल जाएगा शायद, खुल जाए यार। ये शायद चाबी से ही ओपन होगा, और मुझे लग रहा है कि पीछे गाड़ी खड़ी है तो शायद उस वजह से नहीं खुल रहा, बट देख लेते हैं एक बार ओपन करके हो जाए तो। नहीं हो रहा, पीछे गाड़ी आ रही है ना, गाड़ी को सेंस कर लिया इसने, बूट स्पेस खुल नहीं पा रहा। बाकी कोशिश करते हैं थोड़ा सा अगर गाड़ी आगे हो जाए तो। भाई फाइनली बूट स्पेस ओपन हो गया इसका, इलेक्ट्रिकली बूट गेट से अंदर वाले बटन से ओपन हो गया। हाइड्रोलिक बूट स्पेस है, यहाँ आप देख सकते हैं कितना स्पेस मिल जाता है हमें। लाइट भी दी हुई है, हालांकि बूट स्पेस में दोनों तरफ लाइट्स दी हुई हैं, बट 7 सीटर है तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना हमें इसमें बूट स्पेस मिलेगा। बाकी सीट स्लाइड कर देंगे तो मिल जाएगा, बट आर्मरेस्ट मिल जाते हैं देखो पीछे भी, थर्ड रो में भी हमें किसी गाड़ी में आर्मरेस्ट नहीं मिलते। कुछ इस तरह का बूट स्पेस है। अब इसे कर देता हूँ मैं बंद एक बार, यहाँ से बंद तो की से ही हो गया और जगह थी, बट मुझे ये लग रहा था शायद सेंस नहीं कर पा रहा, इस वजह से नहीं खुल रहा। तो भाई ये था आपका टोयोटा वेलफायर का इंटीरियर एक्सटीरियर, इंजन स्पेसिफिकेशंस मैं डिस्प्ले पे डाल रहा हूँ। अब आप लोग बताना आपको गाड़ी कैसी लगी, गाड़ी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है इस कीमत के अंदर, और अगर कुछ मिस हो गया हो तो उसके लिए सॉरी, कमेंट में बता देना, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इसकी वीडियो बना रहा था, अगर कुछ मिस हो भी गया हो तो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।